हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से मैंने बनाया बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सा सैलेड। इसे बनाने का आसान तरीका तो मैं बना दूंगी, लेकिन इसे बनाने के लिए ना हमें गैस की ऑन करने की ज़रूरत होगी और ना ही हमें कुछ पकाना होगा। ये सिर्फ फ्रूट्स और वेजी से ही बनता है, बहुत ही डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डालेंगे एवोकाडो। एवोकाडो बहुत महंगा मिलता है, पर क्या करें, हेल्दी तो है तो खाएंगे ज़रूर। तो चलिए इसे डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे मैंगोज। मैंगोज का सीज़न है तो मैंगो घर पर रहता है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यमी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंगोज डालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ चेरी टमाटोज। तो चेरी टमाटोज अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे जो नॉर्मल टमाटोज होते हैं वो टमाटोज डाल सकते हैं, पर चॉप करके डालिए। और उसके बाद हम लेंगे एप्पल्स। एप्पल्स को भी मैंने चॉप करके डाला है बारीक। और इसके बाद हम डालेंगे कुकुम्बर। कुकुम्बर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सैलड्स में, ये सैलड्स का जान है। तो इसके बाद हम डाल लेंगे लेट्यूस। लेट्यूस आपके घर में अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, मेरे पास था मैं डाल ली हूँ, तो आप इसे डालिए, अगर हो तो इसका भी टेस्ट ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें करते हैं सीजनिंग। आपके अकॉर्डिंग टेस्ट के आप नमक डाल लीजिए और चाहे तो आप ब्लैक पेपर क्रश करके डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला पर उसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। ये मेरा हनी बहुत ही प्योर हनी है और जो इसका टेस्ट रहेगा बहुत अलग लेवल का रहेगा हनी मिलाने के बाद में। आप चाहे तो इसके अंदर ऑनियन भी डाइस करके डाल सकते हैं या फिर स्लाइसेस करके डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं इसे 1 से 2 घंटे के बाद खाऊंगी तो ऑनियन इसमें इसका पानी रिलीज करेगा क्योंकि इसमें साल्ट भी है, तो मैं इसे बाद में डाल रही हूँ ऑनियन जब मुझे खाना है। और अब हम इसमें डाल लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। घर का ऑयल मत डालिए जो हम किचन में यूज़ करते हैं, इसके जान है ऑलिव ऑयल। इसके बाद हम डाल लेंगे लेमन जूस। मैंने यहाँ 1 लेमन लिया। तो अब बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, वाइट सेसमे सीड्स। ये 3 किस्म की मिलती है, ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन। तो मैंने यहाँ पर सैलड्स में हमेशा वाइट वाली लगती है तो वाइट वाली डाली है। और हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें शहद है, नमक है, ब्लैक पेपर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसका टेस्ट अच्छा क्रीमी सा है, थोड़ा सा टैंजी सा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे टेस्ट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सैलेड कैसा लगा है। ये एक ही बार में आपका बोल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है।